इस दीपावली के त्योहार पर हमने बनाया है 3D प्रिंटेड पर्सनलाइज्ड आकाश कंदील। तो आप भी इस तरीके से आपके मनपसंद फोटोज को यूज करके ये 3D प्रिंटेड आकाश कंदील बना सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, दीपावली भी आ रहा है, तो आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसे बनाने से पहले आपको आपके मनपसंद 4 फोटोज को सेलेक्ट करना है और उन्हें आप कुछ इस तरीके से एडिट कर सकते हो आपके मोबाइल फोन में, वो भी पिक्सेल लैब ऐप को यूज करके। तो इन फोटोज के एडिटिंग के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आप इन फोटोज में आपके कंपनी का नाम या आपके मनपसंद व्यक्ति का नाम ऐड कर सकते हो। तो आप सभी ने पिछली बार हमारे मून लैम्प वीडियोज में देखा होगा कि हमने लिथो पेन मेकर वेबसाइट को यूज करके 3D प्रिंटेड मून लैम्प को बनाया था और उसी के साथ हमने ZBrush सॉफ्टवेयर की मदद से 3D प्रिंटेड हार्ट लैम्प बनाया था। तो इसी तरीके से आज हम हमारे इस आकाश कंदील को बनाने वाले हैं, वो भी हमारे इसी लिथो पेन मेकर वेबसाइट को यूज करके। तो चलिए डिजाइन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गूगल में टाइप करना होगा लिथो पेन मेकर। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लिथो पेन मेकर, और दोस्तों रिजल्ट्स में हमें सबसे पहला वाला वेबसाइट को सेलेक्ट करना है। और इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इसके फर्स्ट वाले मॉडल को क्लिक करना है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लिथो पेन लैंप मेकर करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। तो हम इस वाले लैंप को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको आपके एडिट किया हुआ 4 फोटोज को यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे हमारे उन फोटोज को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हमारे फैमिली के फोटोज को ऐड किया है। अब बारी है हमारे इस लैंप को एडिट करने की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा क्रॉप फोटोज इक्वली, तो इसे हमें चेंज नहीं करना है। तो इसका जो रिजोल्यूशन है उसे भी हमें 0.25 ही रखना है। उसके बाद दोस्तों आता है टॉप डायमीटर। तो टॉप डायमीटर में यहाँ पे 140 mm रखने वाला हूँ, और इसका जो बॉटम डायमीटर है उसे मैं 250 ही रखने वाला हूँ। अब बारी है हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ वेव, तो इसे भी हमें चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब बारी है यहाँ पे आप देख सकते हो साइज ऑफ वेव्स, तो इसे भी हम चेंज नहीं करेंगे। अब बारी है हाइट की। तो मैं यहाँ पे इसका जो बॉटम का डायमीटर है और उसका हाइट इक्वल रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो डिज़ाइन दिखने में एकदम प्रोफेशनल लगेगा हमारे आकाश कंदील की तरह। तो मैं यहाँ पे इसे मॉडिफाई करता हूँ। अब बारी है बेस विड्थ एंड हाइट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस विड्थ और हाइट इसे हम कम कर सकते हैं हमारे फिलामेंट को सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसे 5 mm सेलेक्ट करता हूँ। अब बारी है ओवर एंगल, तो इसे भी हमें चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हमें 45 डिग्री ही मेंटेन करना है। तो उसके बाद अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम थिकनेस इसे भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे जो फोटोज के क्वालिटी है उसे बिगाड़ सकता है। तो ये और इसके नीचे वाला ऑप्शन जो है मिनिमम थिकनेस, इन दोनों ऑप्शन को हमें चेंज बिल्कुल नहीं करना है। तो उसके बाद आता है दोस्तों स्पेसिंग बिटवीन पिक्चर्स, यानी हमारे जो 4 फोटोज है उनके बीच का जो बॉर्डर है उसका जो थिकनेस है उसका जो स्पेस है उसे हमें कितना रखना चाहिए। तो आप उसे आपके मर्जी के अनुसार कम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे उसे 8 mm रखा है। अगर आपको पूरे लैंप में एक ही फोटो पूरे राउंड सर्कल में ऐड करना हो तो आप इस स्पेसिंग को 0 रख लीजिए और आपके उन फोटोज को, उस सिंगल फोटो को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उसे यहाँ पे सीरियली ऐड कर दीजिए। तो आपका जो फोटो है वो पूरे लैंप के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो अब आ रही है अगले वाले सेटिंग की। तो यहाँ पे स्पेसिंग ब्राइटनेस को भी हमें चेंज नहीं करना है। अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे फ्रेम ऑप्शन में। अब बारी है फ्रेम ऑप्शंस की। तो इसमें हमें सबसे पहले क्लैंप इंटरफेस को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद दोस्तों इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है लिड्ज डायमीटर, तो इसे हमें चेंज नहीं करना है। लेकिन उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है लिड्ज हाइट, तो इसे यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं 4 mm। और उसके बाद दोस्तों सिलेंडर डायमीटर, तो इससे हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड यहाँ पे हम सेट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे डिज़ाइन चेंज करना हो तो हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पोक पैरामीटर्स में हमें स्मोक का जो थिकनेस है उसे चेंज नहीं करना है, लेकिन दोस्तों स्मोक का जो डेप्थ है वो यहाँ पे हमें 3 mm करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्मोक का डेप्थ है, इसकी वजह से हमारा जो फिलामेंट है वो ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसके मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसे 3 mm सेट किया है। 3 mm सेट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे हमारा मटेरियल सेव किया है। अब हमें यहाँ पे हमारे जो नीचे फोटोज़ हैं उन्हें यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे हमारे सारे फोटोज़ लगभग ठीक ठाक फिट हो चुके हैं।
अगर आपका फोटो यहाँ पे प्रॉपरली फिट नहीं हुआ तो आप उसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप इस फोटो को देखिए, तो मैं यहाँ पे अगर इस फोटो को यहाँ पे मैंने अगर क्लिक किया तो यहाँ पे इसका फ्रेम एडजस्ट हो सकता है। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे हमारे ईमेल आईडी को इंटर करके हमारे इस फाइल को डाउनलोड करना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इस हमारे आकाश कंदील को स्लाइस करने के कुछ सेटिंग्स को शेयर करने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इन सेटिंग्स की मदद से आप आपके प्रिंटिंग के टाइम को सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0.6 mm नोजल को यूज करने वाला हूँ ताकि हमारा ये जो बड़ा प्रिंट है इसका टाइम सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे इसके सेटिंग को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 0.6 mm नोजल को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्वालिटी में सबसे पहले आना है इनफिल में, तो हमें इसका जो इनफिल है उसे 100% सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है 100% सेट। उसके बाद दोस्तों हमें अगला चेंज करना होगा हमारे मटेरियल में, तो मैं यहाँ पे मटेरियल को 205 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना चाहता हूँ और हमारा बेड का जो टेम्परेचर है उसे मैं यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस को सेट करता हूँ। तो ये मेरा नॉर्मल सेटिंग है जो मैं हर बार हमारे पार्ट्स को प्रिंट करता हूँ, तो मैं सेम सेटिंग्स को यूज करता हूँ। तो अब बारी है दोस्तों, हमें यहाँ पे स्पीड में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे स्पीड में कुछ चेंज कर दिया तो आप समझ लेना आपका जो फोटो का क्वालिटी है वो यहाँ पे बिगड़ने वाला है। तो अब हमें सीधे यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे कूलिंग के बाद यहाँ पे सपोर्ट। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का सपोर्ट आप यूज मत कीजिए। अब हमें सीधे यहाँ पे बिल्ड प्लेट एडेजन में इसका जो राफ्ट ऑप्शन है, यहाँ पे मैं ब्रिम ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो पूरा आकाश कंदील है ये हमारे बेड के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से सॉलिड बाउंड यहाँ पे मेंटेन कर पाए। तो मैं यहाँ पे ब्रिम ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसका जो ब्रिम का विड्थ है उसे मैं यहाँ पे 6 mm सेट कर देता हूँ। तो बस इतने ही सिंपल से सेटिंग्स आप चेंज करके आपके इस आकाश कंदील को स्लाइस कर लीजिए। तो हमारे इस आकाश कंदील को पूरा प्रिंट होने के लिए टोटल 4 दिन का समय लगने वाला है, तो हम यहाँ पे इसे प्रिंट के लिए छोड़ देते हैं। और एक मेरा आपके लिए छोटा सा सजेशन है, जब भी आप इस तरीके से बड़े प्रिंट्स को छोड़ देते हो तो उस टाइम आप UPS को यूज कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर प्रिंट 2 दिन के बाद लाइट के फ्लक्चुएशन की वजह से बिगड़ गया तो आपके दिल को बहुत ही गहरा चोट लग सकता है। तो इसी चोट को बचाने के लिए आप UPS का मदद लीजिए। तो यहाँ पे हमने हमारे आकाश कंदील का 3D प्रिंटिंग स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 0.6 mm नोजल को यूज किया है इसके प्रिंटिंग के लिए। तो आप भी आपके टाइम को सेव करने के लिए 0.6 mm नोजल को यूज कर सकते हो, लेकिन आपका प्रिंट उस टाइम पे बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आप छोटे वाले आकाश कंदील को बनाते समय इस तरीके से 0.6 mm नोजल को अगर यूज करते हो तो आपके फोटोज की क्वालिटी बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज है तीसरा दिन हमारे आकाश कंदील के प्रिंटिंग का, तो हमें इसे देखने का क्यूरियोसिटी बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने इतना बड़ा प्रिंट फर्स्ट टाइम प्रिंट किया है। और दोस्तों कल सुबह हमारा आकाश कंदील कंप्लीट होने वाला है, तो चलिए कल सुबह देख लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा आकाश कंदील कंप्लीट हो चुका है, गुची 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 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो प्रिंट है वो एज इट इज कंप्लीट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे एक लाइट का फ्लक्चुएशन हमें फेस करना पड़ा, तो हमने हमारे प्रिंट को रिज्यूम ऑप्शन की मदद से रिज्यूम कर लिया। और आप इसके अंदर देख सकते हो बहुत ही सारे स्ट्रिंग्स यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। तो हमें इन सारे स्ट्रिंग्स को यानी एक्सेस मटेरियल को क्लीन करना है, तो हम इसे बहुत ही आसानी से फाइल या पॉलिश पेपर की मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 3D प्रिंटेड पर्सनलाइज आकाश कंदील। अब दोस्तों हमें सिर्फ इसके ऊपर हमारे बल्ब के पोजीशन के लिए एक पार्ट डिजाइन करना है, और इसके नीचे दोस्तों हमें हमारे उन जो हम धागे छोड़ देते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक डिजाइन बनाना होगा सेपरेट, और उसे इक्वली डिवाइड करके उसके लिए एक होल प्रोवाइड करना है। तो चलिए हम इसके डिजाइन को KTR सॉफ्टवेयर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे इस आकाश कंदील के टॉप और बॉटम को एक 2 नए पार्ट्स को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके ऊपर वाले पार्ट के ऊपर जो हम बल्ब को लगाने वाले हैं उसके लिए एक सपोर्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा उसका डिजाइन हो चुका है रेडी। तो अब बारी है हमारे इस बॉटम वाले पार्ट की। तो आप सभी ने आकाश कंदील को देखा होगा कि उसके नीचे कुछ थ्रेड्स लटकते हुए दिखाई देते हैं,
तो उनके लिए हमें यहाँ पे एक सेपरेट पार्ट डिजाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने उसका डिजाइन बनाया है और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 12 होल्स को प्रोवाइड किया है हमारे उन लेस को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसके टॉप और बॉटम के दो नए पार्ट्स के STL फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। अगर आप इससे छोटा आकाश कंदील बनाना चाहते हो तो आप उन डिजाइन को बहुत ही इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा टॉप वाला पार्ट। तो हमें यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से असेंबल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पार्ट हो चुका है असेंबल। अब बारी है हमारे इस बॉटम वाले पार्ट की। तो फाइनली यहाँ पे हमारा बॉटम वाला पार्ट भी बन चुका है रेडी। तो हम इसे कुछ इस तरीके से असेंबल करने वाले हैं। तो हमें इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉक करना है। ये वाला पार्ट भी यहाँ पे परफेक्टली असेंबल हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे इसके लिए नीचे कुछ लेस को ऐड करना है। तो अब हम उन्हें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ हमारे उलन धागे की मदद से इसके लेस को बना रहे हैं। तो जब हम इसके लेस को यहाँ पे बांध रहे हैं तो हमें यहाँ पे चोटी बनाने का एक्सपीरियंस मिल रहा था। तो फाइनली यहाँ पे हमने हमारे इस लेस को ऐड कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जो आकाश कंदील है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन चुका है। तो अब बारी हमारे इस LED को इसके अंदर ऐड करने का। तो मैं यहाँ पे हमारे इस वाले LED लाइट को यूज कर रहा हूँ। दोस्तों ये है रेनबो लाइट। तो यहाँ पे इसका जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है जब हम लाइट ऑन ऑफ कर देते हैं। तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। आप वहां पे जाके इस बल्ब को आराम से परचेस कर सकते हो। फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैंने LED बल्ब को हमारे आकाश कंदील के अंदर असेंबल कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको लाइट्स ऑफ करके हमारे आकाश कंदील के ऊपर जो हमारे फोटोज है वो किस तरीके से प्रिंट हुए हैं आपको दिखाता हूं। लाइट्स ऑफ। तो लाइट्स ऑफ कहते हैं, लाइट्स ऑफ नहीं होते हैं तो हमें खुद ही बैकग्राउंड में जाके उन लाइट्स को ऑफ करना होता है। टान टान। तो ये रहा हमारा 3D प्रिंटेड आकाश कंदील। तो आप यहाँ पे हमारे फोटोज के डिटेल्स देख सकते हो दोस्तों, किस तरीके से पूरे डिटेल तरीके में यहाँ पे हमारे फोटोज प्रिंट हुए है। तो अगर आपको ये हमारा आकाश कंदील पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक चीज, आप सभी को पता है कि दिवाली के त्यौहार पे हम एक दूसरे को गिफ्ट शेयर करते हैं। तो मैंने आपके लिए ये वाला गिफ्ट शेयर किया है। तो आप भी नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक करके हमारे लिए गिफ्ट शेयर कीजिए और हमें अगले वीडियो में क्या बनाना चाहिए उसके ऊपर भी कॉमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मी कंदर की दीपावली रोजुला, कोटि कोटि शुभाकांक्षलु। ऐसे ही और मजेदार वीडियोज के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।